हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करेंगे मायोग्लोबिन के बारे में। ठीक है, तो मायोग्लोबिन क्या होता है? एक रेड कलर का पिगमेंट होता है जो कि मसल्स में मिलता है। ठीक है, और कुछ मसल फाइबर में ये बहुत ज्यादा होता है। ठीक है ना, कुछ मसल फाइबर में ये मायोग्लोबिन बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से जो मसल फाइबर होती है वो रेड कलर की दिखने लगती है। अब मायोग्लोबिन का काम क्या होता है? ये ऑक्सीजन को स्टोर करता है। ठीक है, बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट में ऑक्सीजन को स्टोर करता है मसल्स में। इसके अलावा ये जो मसल्स होती हैं, रेड रेड मसल्स जो होती हैं जिनमें मायोग्लोबिन बहुत ज्यादा होता है, इनमें माइटोकॉन्ड्रिया भी बहुत ज्यादा होता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया इनमें ज्यादा क्यों होता है? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एटीपी का प्रोडक्शन करता है। तो जब रेड मसल जो है उनमें मायोग्लोबिन ज्यादा है, मतलब ऑक्सीजन ज्यादा है, और उस ऑक्सीजन के यूटिलाइजेशन के लिए क्या चाहिए? माइटोकॉन्ड्रिया चाहिए। तो वहां पर भी माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा रहता है, जिससे एटीपी वहां पर ज्यादा बनता है। ठीक है, दूसरा होता है एक व्हाइट फाइबर। ठीक है, व्हाइट मसल्स होती हैं जिसमें मायोग्लोबिन काफी कम होता है, तो वहां पे माइटोकॉन्ड्रिया भी बहुत कम होता है, जिसकी वजह से वो व्हाइट अपेयरेंस शो करता है। ठीक है, क्योंकि मायोग्लोबिन क्या है, वहां पे कम है। और ये जो व्हाइट फाइबर्स होते हैं, इनमें अपने को क्या मिलता है, ज्यादा अमाउंट में सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिलता है। ये एक टाइप का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है जो कि कैल्शियम को स्टोर करता है, और आपको पता है कैल्शियम जो होता है वो मसल के कॉन्ट्रैक्शन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे लगभग 1.5 मिनट में मायोग्लोबिन के बारे में समझा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, एंड प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एनसीईआरटी का ज्ञान। बाय बाय।